हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतीक क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का टॉपिक समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 12 हम यहाँ पे सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने अपनी पिछली वीडियो में सोल्व करवा दिए हैं, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग याद कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 40 धन पूर्णांक का मतलब 1 से लेके 40 तक, 1, 2, 3, 4 ये सब धन पूर्णांक है 40 तक, और इनमें जो 6 से विभाज्य है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 से विभाज्य वाले धन पूर्णांक। 6 से विभाजित धन पूर्णांक, 6 से विभाजित धन पूर्णांक, सबसे पहले 6, उसके बाद में 12, उसके बाद में 18, और ऐसे 40 पदों तक हमें करना है। 40 पदों तक, प्रथम 40 पदों तक। तो अब हमारे पास यहाँ पे एपी है 6, 12, 18, और ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों तक हमें इनका योग ज्ञात करना है। तो एपी हमारे पास है ये, प्रथम पद ए लिखूं तो 6 डी, 12 है माइनस 6 बराबर 6, एन है वो है 40, और एस एन है वो हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम 40 पदों का योग, मैंने प्रथम एन पदों का योग का सूत्र आपको लिखवाया था, एस एन बराबर एन बटे 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एस एन, जैसे कि फॉर्मूला ये है, एस एन बराबर एन बटे 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन की जगह मैं यहाँ पे 40 लिखूंगा, और यहाँ पे एन है तो 40 बटे 2, ये 2 है, और ए की वैल्यू है वो 6 है, प्लस एन की वैल्यू है वो 40 है माइनस 1, और डी की वैल्यू है वो 6 है। 2 का भाग 40 में 20 बार, और 6 और 2 को गुणा करने पर 12 है, प्लस 40 में से 1 घटाने पर 39 गुणा 6। तो एस 40 बराबर 20, 12 है, प्लस 39 और 6 को गुणा करेंगे तो ये 234 आया। अब ये है एस 40 बराबर 20 कोष्टक 12 है प्लस 234, तो 12 और 234 को हम जोड़ेंगे, तो ये आया 246। अब कोष्टक का चिन्ह होता है वो गुणा का होता है, तो 20 और 246 को हम गुणा करेंगे तो यह आया 4920। तो प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाजित होंगे उनका योग आएगा 4920। तो क्वेश्चन नंबर 12 है वो कंप्लीट हुआ, और क्वेश्चन नंबर 13 अब हम आगे सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, हमें दिया गया है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणज लिखेंगे हम, तो हम 8, 16, 24, 32 ऐसे लगातार 15 गुणज लिखेंगे, तो हमारे पास एक एपी बन गई। तो हमें 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो प्रथम पद ए है वो है 8, डी है वो 16 है माइनस 8 बराबर 8, एन का मान दिया हुआ है हमें 15, और एस 15, 15 पदों का योग है हमें ज्ञात करना है। हमें प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। अब फॉर्मूला है इसके लिए, एस एन बराबर एन बटे 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन की वैल्यू है वो यहाँ पे 15 है, तो मैं लिखूँगा एस 15 है बराबर 15 बटे 2 गुणा 8 प्लस एन की जगह 15 है माइनस 1 और डी की जगह 8। एस 15 है बराबर 15 बटे 2, 8 और 2 को गुणा करने पर 16 है
प्लस 15 माइनस 1 14 गुणा 8 एस 15 बराबर 15/2 16 है प्लस 14 और 8 को गुणा करने पर 112 है और प्रथम 15 पदों का योग 15/2 16 है और 112 को हम जोड़ेंगे तो ये 128 और जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आया 64। अब ये 15 और 64 है वो गुणा में तो हम 15 और 64 को गुणा करेंगे एस 15 बराबर 15 है गुणा 64 तो हमारे पास गुणा करने पर प्राप्त हुआ 960। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि 8 के प्रथम 15 है गुणजों का योग नौ सौ साठ होगा। तो इसी के साथ है क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मतलब 0 से लेके 50 तक जो विषम संख्या है उनका योग ज्ञात करना है। तो विषम संख्या लिखेंगे हम यहाँ पे, जैसे कि 0 तो विषम संख्या है नहीं, 1, 1 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 7 और 50 भी विषम संख्या नहीं है तो ये 49 तक हो गई। तो ये एपी हमारे पास प्राप्त हो गई। अब मैं प्रथम पद लिखूं इसमें तो ए बराबर 1, डी बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2 और अंतिम पद या ए एन वो है 49 और विषम संख्याओं की संख्या पदों की संख्या वो हमें ज्ञात करनी है। तो मैं यहाँ पे एनवे पद का सूत्र का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो एनवे पद का सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू है वो है 49 बराबर ए की वैल्यू है वो 1 प्लस एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और जो डी की वैल्यू है वो है 2। एक का पक्षांतरण करूंगा मैं तो 49 प्लस 1 बराबर एन माइनस 1 गुणा में 2। 49 प्लस 1 50 ये 2 गुणा में तो बराबर वाली संख्या के भाग में बराबर एन माइनस 1। 2 का भाग है 50 में देने पर 25 आएगा तो 25 माइनस 1 का पक्षांतरण करने पर प्लस 1 बराबर एन तो एन की वैल्यू है हमारे पास में वो आई 26। कि 0 से लेकर 50 तक है वो 26 विषम संख्याएं हैं तो हमें उन 26 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो एस एन का फॉर्मूला प्रथम 26 पदों का योग एस एन बराबर एन बटे 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखिए हमारे पास में एन की वैल्यू है यहाँ पे 26 है तो एस 26 बराबर 26 बटे 2 ये 2 का 2 और 1 की वैल्यू है वो 1 है प्लस 26 माइनस 1 और डी की वैल्यू है वो 2 है तो एस 26 बराबर 13 है। 2 और 1 को गुणा करने पर 2 प्लस 26 में से 1 घटाने पर 25 गुणा 2 13 है। 2 प्लस 25 और 2 को गुणा करने पर 50 13 है गुणा 52 50 और 2 को जोड़ने पर 52 तो हम 13 और 52 को यहाँ पे गुणा करेंगे तो 52 और 13 को गुणा करने पर 676 प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं कि 0 से 50 के बीच 26 संख्याओं का जो योग है 26 विषम संख्याओं का जो योग है वो 676 होगा। तो S 26 बराबर 676।
तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ, अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है वो हमें दिया गया है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। जैसे कि घर बनाने के लिए कोई टेंडर पास होता है, जब भी किसी को देते हैं तो उसमें एक निश्चित अवधि होती है कि हाँ आपको ये काम है इतने महीने में पूरा करना होगा, 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने। तो यदि वो काम है जिसने वो लिया है वो ठेकेदार ने वो काम उतनी अवधि में पूरा नहीं कर पाता है तो उसे जुर्माना देना पड़ता है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है जिसमें कोई निर्माण कार्य से संबंधित है, पहले दिन के लिए जो जुर्माना है वो है 200 रुपये, यहाँ पे देखिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए मेरे काम करो मठिन आ जाऊँ ना, तो तीसरे दिन के लिए जुर्माना है वो है 300 रुपये। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक से पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है, कि जो एक दिन के बाद 50 रुपये जुर्माना है वो बढ़ जाएगा। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को करने में 30 दिन विलंब कर देता है, कि कोई एक ठेकेदार है जो जिसने अपना कॉन्ट्रैक्ट लिया वो उसको 30 दिन लेट करता है, तो उसके लिए उसे कितनी राशि है वो जुर्माने के रूप में चुकानी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं एपी लिखूंगा, पहले दिन के लिए 200, अगले दिन के लिए 250, उसके बाद में 350, और कितने दिन के लिए करना है ऐसा, 30 दिन विलंब कर दिया उसने, 30 दिन तक। तो हमारे पास एपी है 200, 250, 300 और टोटल 30 दिनों तो का योग है जुर्माना राशि का हमें निकालना है। तो योग के लिए फॉर्मूला SN=(n/2a+n-1d) प्रथम पद लिखूं मैं a तो है 200, d के लिए 250 - 200 = 50, और n है वो 30 दिन है मतलब 30, और योग याद करना है 30 दिनों का। तो इस फॉर्मूले में अब वैल्यू पुट करूंगा मैं, तो एस 30 = 30/2 2×200 + एन की जगह 30 - 1 और डी की जगह है 50। एस 30 = 30 में 2 का भाग देने पर 15 है, 2 और 200 को गुणा करने पर 400 + 30 में से 1 घटाने पर 29 × 50, तो 400 + 30 × 50 15 है, 400 × 29 और 50 को गुणा करने पर 1450 आएगा। तो एस 30 = 15 है और जोड़ने पर है वो 1850 आएगा। तो 400 और 1450 को जोड़ने पर 1850 प्राप्त हुआ। अब 15 और 1850 को हम गुणा करेंगे तो हमें 30 दिनों के विलंब की जो हर्जाना राशि है, अदा करने वाली राशि है, वो हमें प्राप्त हो जाएगी। एस 30 = तो राशि है हमारे पास 27,750 रुपये। तो यदि ठेकेदार है वो 30 दिन का विलंब करता है तो उसे 27,750 रुपये राशि जुर्माने के रूप में अदा करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ है क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ, अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया गया है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो हमें प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है, कि एक शैक्षिक प्रोग्राम में 700 रुपये की राशि है वो रखी गई जिसमें 7 नकद पुरस्कार है। तो ठीक पुरस्कार है मतलब जैसे पहले को है 200 रुपये दिए गए,
तो दूसरे जो प्रतिभागी है उसको उसे 20 रुपये का मतलब 180 रुपये दिए जाएंगे, उसके बाद 160 रुपये दिए जाएंगे, तो हमें वो 7 नकद पुरस्कार ज्ञात करने हैं। तो हमें दिया गया है कि हमें 7 का योग ज्ञात करना है, वो है 700। 700 नकद पुरस्कारों का योग है वो 700 है, एन बराबर है वो 7 है, और डी की वैल्यू -20, क्यों कम है तो माइनस का साइन लगाएंगे। अब योग ज्ञात करना है तो एस एन बराबर एन बटे 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन एस एन की वैल्यू है यहाँ पे 700, एन की वैल्यू 7 बटे 2 टू ए की वैल्यू हमारे पास है नहीं, प्लस एन की वैल्यू 7 माइनस 1 और डी की वैल्यू है -20। 2 है वो भाग में है तो गुणा में आ जाएगा, 700 गुणा 2 और 7 है वो गुणा में है तो भाग में, बराबर 2a प्लस 6 गुणा -20। कैंसिल आउट ये 100 बार, 100 और 2 को गुणा करने पर 200 बराबर 2a प्लस गुणा माइनस 6 और 20 को गुणा करने पर 120। पूरे समीकरण में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दूंगा मैं, तो ये 100 बराबर a माइनस 60, 60 का पक्षांतर करूंगा मैं तो 100 प्लस 60 बराबर a, तो a की वैल्यू है वो 160 आई, a की वैल्यू 160 आई। अगला पुरस्कार है वो इसे 20 रुपये कम होगा, तो मैं यदि ap लिखना चाहूँ तो ये 160 से 20 रुपये कम 140, इसके बाद में 20 रुपये कम तो 120, 100 और ये ऐसे ap बन गई। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, थैंक यू।